Hi everybody, today we will discuss about importance of sports training. Chapter number 5, sports training. First point is builds up strength and endurance. Sports training increases the strength and endurance to great extent, thus resulting in high performance of player. Sports training से हमारी strength और endurance बढ़ती है, जिससे sports में अच्छी performance हम दे सकते हैं. Second point is improves skill level. Proper training improves the skills ability to great level, thus more perfection in skills. Proper training करने से हमारी skills improve होते हैं, जिससे हमारी skills में perfection आ जाती है और अच्छी performance हम दे सकते हैं. Builds confidence. Training process improves the performance, thus builds the confidence and self-esteem of the player. Sports training करने से confidence बढ़ता है, जिससे स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस अच्छी होती है. फोर्थ पॉइंट इज गिव्स नॉलेज. ट्रेनिंग प्रोग्राम गिव्स अस नॉलेज अबाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, दस हेल्पफुल इन इम्प्रूव परफॉर्मेंस. वही ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से जो हमें गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाती है, जिससे स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस हमारी बढ़ती है. इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन. इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन टू स्पेसिफिक पार्ट्स, विच हेल्प्स द एक्टिविटी. मोर ओवर मैनी न्यू कैपिलरीज एंड फॉर्म्ड बाय ट्रेनिंग. ब्लड सर्कुलेशन जो कि हमारा इंक्रीज होता है. इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एगिलिटी. ट्रेनिंग इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एगिलिटी ऑफ प्लेयर, दस वेल कोऑर्डिनेशन एबिलिटी इंक्रीजेस. फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ती है, जिससे कि अच्छी कोऑर्डिनेशन हमारी बढ़ जाती है. इम्प्रूव्स मसल टोन. मसल टोन हमारा इम्प्रूव होता है, जिससे हमारी मूवमेंट और फास्ट हो जाती है. फास्टर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम जो कि बिल्कुल ठीक रहता है. ट्रेनिंग प्रूफ द एक्सेट्री सिस्टम, दस फास्टर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. तो हमारा पेट भी इससे सही रहता है. फास्टर रिकवरी. कोई भी इंजरी हो, उससे जल्दी हम रिकवर कर लेते हैं. ट्रेनिंग प्रोसेस इम्प्रूव द एफिशियंसी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी, दस फास्टर एंड स्पीडी रिकवरी फ्रॉम इंजरी. इम्प्रूव इम्यूनिटी. हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है. इट इम्प्रूव द बॉडी इम्यूनिटी, दस मोर रेसिस्टेंस to diseases and illness, thus health improves. Next, build motivation. Motivation badhti hai. Training builds the self motivation, thus performance increases. अभी training करने से हमें पहले ही काफ़ी कुछ पता चल जाता है, अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, जिससे कि हमारी motivation, self motivation बढ़ती है. Develops the specific fitness component. स्पेसिफिक फिटनेस कंपोनेंट होते हैं, उसको वो डेवलप होते हैं, जैसे कि फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हो गए, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्पीड. ठीक है, ये सब इम्प्रूव होते हैं. लेस इंजरी. ए गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिडर द सेफ्टी मीन्स द चांसेस ऑफ इंजरीज आर रिड्यूस्ड. तो अच्छी ट्रेनिंग करेंगे तो उससे हमें सेफ्टी के बारे में पता चलेगा कि कैसे कैसे हम इंजर्ड हो सकते हैं, तो हमें उससे बचना है, तो उससे इंजरी के चांस कम हो जाएंगे. इम्प्रूव्स डाइट. ट्रेनिंग कंसिडर द बैलेंस डाइट, दस हेल्थी एंड बैलेंस डाइट इज गिवन इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट है इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द कंसंट्रेशन ऑफ द प्लेयर, दस द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स. तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से कंसंट्रेशन जो कि इम्प्रूव होती है, जिससे स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है, अच्छी हो जाती है. और इससे फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है. तो दिस आल्सो वी कैन राइट इन दिस. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.